चलो मालिक हे मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज का जो वचन हम देख रहे हैं वो है भजन संहिता उसका 73वां भाग और 25वीं आयत। प्रभु का वचन जिसमें कहता है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। यहाँ तो परमेश्वर के प्रति अटूट प्रेम की बात है, जहाँ केवल परमेश्वर और कुछ नहीं। क्यों न हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर है वो सबसे अनोखा है और उसके जैसा और कुछ नहीं है। वो जैसे हमें प्यार करता है ऐसे कोई प्यार नहीं कर सकता, ना हमारे खुद के लोग ना हमारे खुद के अपने। हमें परमेश्वर की तरह प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया है। हमारी गलतियों की वजह से और हमारे पापों की वजह से परमेश्वर ने अपना बेटा पृथ्वी पर भेज दिया, और इतना ही नहीं परंतु उसको हमारे पापों के लिए बलि किया गया। ये परमेश्वर का प्रेम है। हम हमारे किसी भी चीज को किसी और के लिए देने में कितनी बार सोच लेते हैं, हमारा मन ही नहीं करता, हम बहुत हिचकिचाते हैं, पर परमेश्वर हमारा ऐसा प्रेमी है कि उसने हमारे लिए, हमको बचाने के लिए और हमारी संगति फिर से परमेश्वर के साथ हो उसके लिए उसने खुद का बेटा हमारे लिए दे दिया। यह परमेश्वर का प्रेम है। और वचन कहता है कि हम उनको प्यार करते हैं क्योंकि प्रथम उसने हमें प्रेम किया। बहुत सच्ची बात, एक बच्चा होता है जो अपनी माँ से बेहद प्यार करता है और उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल उसकी माँ चाहिए होती है। वो किसी के पास जाए पर जब तक उसकी माँ नहीं होती उसके पास, तब तक उसको चैन नहीं होता। ये बच्चे का प्यार होता है। बच्चा बिना स्वार्थ के अपनी माँ से बेहद प्यार करता है। वो नहीं जानता कि उसकी माँ उसको कुछ देगी या नहीं देगी, परंतु बच्चा अपनी माँ से लिपटा हुआ हमेशा रहता है। बच्चे को अपनी माँ के पास ही सुकून मिलता। आज हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परंतु हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को प्रेम जरूर करते हैं परंतु उनके समीप जाना नहीं चाहते, उनसे एक डिस्टेंस रखते हैं, एक दूरी बनाए रखते हैं। और चाहते भी ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, परंतु हमारे खुद की कई बातें ऐसी होती है जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोक लेती है। हमारा समय हम परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं दे पाते। हमारी कई ऐसी बातें होती है कि जो हम परमेश्वर को प्रेम करने से रोक लेती है। हमें हमारे मित्र होते हैं, हमारी बुरी आदतें होती है, हमारा समय होता है, हमारी खुद की लालसाएं होती है, हमारे आगे बढ़ने की लालसा है, या फिर हमारे लोगों के साथ कनेक्ट होने की लालसा है, या खुद को बड़ा बनाने की लालसा है। बहुत सारी चीजें होती है जो परमेश्वर के पास आने से हमें रोक लेती है। जब बच्चा छोटा होता है तब तो उसको और कुछ नहीं चाहिए, केवल उसकी माँ चाहिए। उसी तरह से यहाँ वचन कहता है कि स्वर्ग में और कौन है, केवल परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के समीप रहने। स्वर्ग में बस हमारा यही काम है, हमेशा परमेश्वर की आराधना करते रहे, परमेश्वर का भजन करते रहे और परमेश्वर के चरणों में उसके मुख को ताकते हुए उसकी स्तुति करते रहे, यही हमारा काम। और वचन आगे क्या कहता है कि पृथ्वी पर उससे बेहतर और कुछ नहीं है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ से ज्यादा और कुछ नहीं होता है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तब वो सारी चीजों को समझता है, तब वो माँ बाप के पास तभी आता है जब माँ बाप उसको कुछ देते हैं, या कोई उससे लालसा होती है, या कोई उसकी जरूरतें पूरी करनी होती है। बच्चा बड़े होने के बाद उसमें एक डिस्टेंस रखने की बात आ जाती है। जैसे हम में से कई मसीही लोग आज परमेश्वर के पास केवल तभी आते हैं जब उनको किसी चीज की आवश्यकता होती है, कोई उनकी जरूरतें होती है, कोई उनकी प्रार्थनाएं होती है, कोई उनकी बीमारियों की चंगाई होती है, कोई समस्याओं से बाहर आने की जरूरत होती है। कई दुखों में हम फंस गए हो और उसमें हमें शांति चाहिए होती है, केवल परमेश्वर को हम तभी याद करते, तभी हम वापस से याद करते हैं कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है, और तभी हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं। और परमेश्वर हमारा प्रेमी प्रभु है और वो हमारी हर एक बात को मानता है। जो हम चाहते हैं वो परमेश्वर हमें दे देता है। जब हमें मिल जाता है तब हम वापस से उसी बात को लेके परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, वापस से हम उसी जगत में चले जाते हैं। जो प्रेम हमने परमेश्वर से करना चालू किया उस प्रेम को वापस से हम छोड़ देते हैं और वापस से अपने जगत में, अपने लोगों के पास, अपनी आदतों के पास, अपने खुद के पास हम चले जाते हैं। परमेश्वर को वापस से हम भूल जाते हैं। तू वचन कहता है कि पृथ्वी पर मुझे आपसे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जिसको परमेश्वर मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। जब हम विश्वास में और दृढ़ होते हैं और परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के समीप जब जाते हैं, तब हमारे लिए यही होता है कि चाहे परमेश्वर हमें स्वर्ग में रखे या नर्क में रखे, परंतु परमेश्वर अपने संग रखे। पृथ्वी पर वो हमें कोई चीजें दे, ब्लेसिंग्स दे, हमें चंगाई दे, कुछ दे या ना दे, परंतु
परंतु बस हमें परमेश्वर चाहिए। जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, जब परमेश्वर को और जानते हैं, जब हमारा और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जब एकजुट हो जाता है, जब हम और परमेश्वर एक हो जाते हैं, जब हमें और कोई बात की समझ नहीं होती है, तब सब कुछ हमारा परमेश्वर बन जाता है। और यही काम के लिए परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, इसीलिए परमेश्वर हमें बुलाता है, इसीलिए परमेश्वर हमें अपने पास चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करना चाहता, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने समीप रखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सारी बुराइयों से बचा के अपने पास अपने घर में रखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं और हमारी भलाई परमेश्वर चाहते हैं। जैसे रोमी 8:28 हमें यही तो कहता है, रोमन्स 8:28 कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती है, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें प्रेम किया उसके बदले में हम भी उनको प्रेम करते, और हमारे लिए सब कुछ अच्छाई या बुराई जो भी हमारे जीवन में होती है वो आखिर में हमारी भलाई के लिए ही होती है। जैसे हम यूसुफ को देखते हैं, तो यूसुफ को जब कारागार में था और एक पात्रवाहक का सपना उसने अपने दर्शन के द्वारा उसका अर्थ समझाया और पात्रवाहक का वो दर्शन सच हुआ, तब यूसुफ ने उसे कहा था कि जब तुम छूट जाओ तब तुम मेरे लिए भी राजा को विनती करना कि वो मुझे भी छोड़ दे और अपने लोगों के पास अपने माँ बाप के पास जाने दे। परंतु पात्रवाहक जो होता है वो भूल जाता है और यूसुफ उस समय वापस से कारागार में ही पड़ा रहता है। परंतु जब यूसुफ परमेश्वर को इतना प्यार करता है तो वो चीज उसके लिए भलाई लेके आती है। कैसे कि जब अगर वो उस समय पे अपने घर चला गया होता तो जब राजा को स्वप्न आता और उसका अर्थ बताने वाला कोई ना होता तो यूसुफ और उसके घर वाले सब मर चुके होते, क्योंकि उसके बाद यूसुफ जो था वो दूसरा राजा की तरह ही हो गया था। वो कृपा उसको मिलने वाली थी, इसीलिए पात्रवाहक यूसुफ को भूल गया था और वो भूला वो यूसुफ के लिए भलाई का कारण हुआ। परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सारी बातें केवल भलाई लेके आती है। कोई हमारा बुरा करता है तो उसमें भी आखिर में तो हमारी भलाई ही होने वाली है। हम दुखी ना हो, हम असंतुष्ट ना हो जो हमारे पास है उससे, हमारे पास जो कुछ है, हमारी परिस्थिति जो है, परमेश्वर ने हमारे लिए वो निर्माण करी है और आखिर में वो हमारी भलाई के लिए ही होने वाली है। परमेश्वर का प्रेम किसी भी प्रेम से बढ़कर है और किसी भी बात से कई गुना ज्यादा है। परमेश्वर हमारा कभी बुरा नहीं चाहता, इसलिए जो भी परमेश्वर हमें देता है वो हमारी भलाई है, हमारी अच्छाई है। परमेश्वर के वचन के ऊपर हम आशीष चाहते और हम परमेश्वर का ऐसा बच्चा बने जो बिना किसी डिमांड के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी जरूरत के परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे और परमेश्वर के चरणों में उसको प्रेम करते हुए उसके समीप रहे। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे खुदा, हमारे परमेश्वर, हमारे पिता, हमें सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले, हमें वो आपकी कृपा दो कि हम आपके चरणों में रह सके, कोई डिस्टेंस ना रखे, कोई दूरी ना बनाए रखे, परंतु सारी ही बातों को बीच में से हटा के केवल हम आपसे जुड़े रहे, इसके लिए आपकी कृपा। हमें वो समझ दो, हमें वो धीरज दो कि सारी ही परिस्थितियों में हम आपके ऊपर मुंडे ले रहे और आपके प्रेम में समाये हुए रहे। आपका मन और आपकी समझ हमें दीजिए, प्रभु यीशु के नाम से हम चाहते, प्रार्थना सुनिए और ग्रहण करें। आमीन।